Mathiran, India's first ever hill station that doesn't have a single automobile in it. यानी कि माथेरान इंडिया का एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे आपको गाड़ियाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी. आप यहाँ पे आते हो इस ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए. एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पे एक ऐसे रिसॉर्ट पे रह सकते हो जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो कैसे लगेगा? वेलकम टू लाइफ एंड लीजर एंड वेलकम टू द अलेक्जेंडर हेरिटेज इन माथेरान, एस्टैब्लिश्ड इन 1907. ओ माय गॉड. यहाँ पे आने के 3 तरीके हैं. सबसे पहला, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ डायरेक्टली चल के आ सकते हो, बट आई एम श्योर कि ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल जर्नी होने वाली है, बिकॉज माथेरान के स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर का है. कैन यू बिलीव? सेकेंड है हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी आप कर सकते हो. यहाँ पर आपको ढेर सारे हॉर्सेस मिलेंगे एंड जैसे ही आप माथेरान में एंटर करोगे आपके पास बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे उनकी डील्स देने के लिए. तो यहाँ तक आने का जो सफ़र है वो नॉर्मली 300 से 500 रुपये तक का होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लोग हो एंड आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी हैं. एंड थर्ड थिंग, मैंने जो प्रिफर किया था, दैट इज़ अमन लॉज से माथेरान तक हमने टॉय ट्रेन ली थी इन जस्ट ₹50. एंड ओ माई गॉड, अगेन अ वेरी काइंड एंड ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. एंड उसके बाद हम लोग ने चलना प्रेफर किया. यहाँ से अलेक्जेंडर पॉइंट जो है वो हार्डली 2 मिनट की दूरी पर है एंड आते ही हमें मार्केट भी लगा था, हमें खंडाला पॉइंट भी लगा था एंड हम इस ब्यूटिफुल से प्रॉपर्टी में पहुँच गए. जस्ट लुक एट इट. नो, अगर आप यहाँ पे ऑन अ बजट एंजॉय करना चाहते हो तो आपके लिए ये कैंपिंग भी अवेलेबल है. आप टेंट्स में रहकर जस्ट 2000 रुपीज़ पे करके यहाँ का एंटायर एक्सपीरियंस का मज़ा उठा सकते हो. यहाँ पे कैंपिंग आप अगर कहोगे तो इनटू द वाइल्ड, इनटू द नेचर वाली फुल फीलिंग आएगी, बिकॉज यहाँ पे ढेर सारे बंदर हैं एंड ढेर सारे अदर वाइल्ड एनिमल्स भी है. कैंप साइट एब्सोल्युटली सेफ है. पीछे है, जैसे आप देख सकते हो, मेरे हेरिटेज रूम्स है. ऑल्सो यहाँ पे 2000 में आपको सारे मील्स आ जाएंगे. आते ही आपको मिलेगा लंच, हाई टी, डिनर एंड ब्रेकफास्ट. अमेजिंग थिंग मुझे ये लगा कि जो कैंपिंग के लिए आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे होती है रात को मूवी स्क्रीनिंग. रात को होता है एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक अलेक्जेंडर पॉइंट पे, जहाँ पे आप स्टार गेजिंग कर सकते हो एंड बॉनफायर भी लगता है. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जैसे आप ऊपर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ है. इन्होंने नेट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, बट काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ है. और यहाँ पे जब भी बंदर नीचे आते हैं ना, मंकीज जब भी नीचे आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है एंड उन्हें बस देख के ही खुशी मिल जाती है यार. और क्या ही बताओ. जैसे ही आप एंटर करते हो राइट साइड में आपको देखने मिलेगा एक सेटी. यहाँ पे ब्यूटीफुल सी स्पेस भी है जहाँ पर बैठ के मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए. यहाँ पे पॉप कर दूंगी और यहाँ पर बैठकर मैंने थोड़ी सी रीडिंग भी की है. अगेन एक छोटा सा सिटिंग स्पेस है. बड़ा सा फुल लेंथ मिरर है जो कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है. यहाँ पे है ये क्वीन साइज बेड. अगेन अ लिटिल बिट ऑफ सेटी. यहाँ पर बैठ के भी मैंने बहुत सारे फोटोज लिए हैं. बेड भी काफ़ी एस्थेटिक है एंड द नंबर ऑफ पिलोज, ओ माई गॉड, आई एम इन लव विद दिस रूम. एसी है यहाँ पर, अटैच्ड वॉशरूम भी है. द वॉशरूम इज ऑल्सो प्रिटी स्पेशियस एंड जैसे ही आप यहाँ पे आते हो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरेज. यहाँ पे कंप्लीट कबर्ड है. यहाँ पे देर आर सम एस्थेटिक टचेस जो देखकर ना, मुझे सच बताओ तो आई एम स्पीचलेस. आई एम इन लव विद दिस रूम. अगेन ये डायलॉग मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ बिकॉज आई ट्रूली एम. मुझे पता है कि आप लोगों को इस रूम के बारे में और डिटेल्स चाहिए होंगे, प्राइजेस के बारे में जानना होगा, तो वो भी फट से बता देती हूँ. नॉर्मली
वीकडेज में इस रूम की प्राइस होती है अराउंड 8,000 to 10,000 रुपीज़ फॉर अ कपल इंक्लूडिंग ऑल मील, एंड वीकडेज पर ये रूम जाता है ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ तक। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर अलेक्जेंडर हेरिटेज में आ रहे हो तो हेरिटेज रूम ही लेना, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल, इट्स जेन्युइनली एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम यू कैन से। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, आई वॉज सो सरप्राइज टू सी समथिंग लाइक दिस इन माथेरान, एंड आई एम श्योर आप लोग भी सरप्राइज होंगे। तो आपका स्टे यहाँ पर कभी बुक करो कॉमेंट्स में बताना। यहाँ पे नॉर्मल रूम्स भी हैं, परफेक्ट फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडोर आउटडोर गेम्स भी मिलेंगे, क्यूट क्यूट कॉर्नर्स भी मिलेंगे जहाँ पर आप एस्थेटिक इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज भी ले सकते हो। पीछे ही है मेरे हेरिटेज रूम्स, एंड मुझे तो यहाँ का स्टे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके मुझे बताना कि आप आपकी माथेरान की जर्नी कभी प्लान कर रहे हो। अगर आपको प्लानिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना @lifeandleisure03। मैं स्क्रीन पे भी उसे पॉपअप कर ही दूंगी, एंड डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी होगा। ऑल्सो सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप लाइफ एंड लीजर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हो, एंड जल्दी से आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना सो दैट आप इस ब्यूटीफुल रिसॉर्ट में आपका नेक्स्ट वीकेंड गेटअवे एंजॉय कर सकते हो। बाय बाय।